ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਗੁਆਰ ਲੈ ਲਿਓ ਤਾਂ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਕੋ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਜੇਬ ਮੇਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਲੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ। खुशियों को मेरा सलाम और टेंशन डिप्रेशन को नहीं, दूर से मेरा प्रणाम। सलाम उदयपुर शो है ये और मैं हूँ आरजे सिम आपके साथ 94.3 माय एफएम पर। वेंसडे की ये मॉर्निंग और अब हम बात करेंगे उस मुद्दे को लेकर जिसकी वजह से हर शख्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन में आ जाता है कि बहुत अजीब सी फीलिंग होती है कि यार क्या है, ऐसा क्यों है। आपको याद होगा मुंबई के एक होटल में अर्जुन भारद्वाज नाम के 24 साल के स्टूडेंट ने 19वें फ्लोर से जंप कर सुसाइड कर लिया था। मेरे उदयपुर राइट्स, चलिए मुंबई की बात छोड़िए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जोधपुर का एक कपल यहाँ उदयपुर आया और यहाँ पर लड़की ने आके खुद को फांसी लगा दी। डिप्रेशन, परेशानी, एक ऐसी सिचुएशन पर जब इंसान पहुंच जाता है जहां पर उसे लगता है कि अब मैं क्या करूं, ये फेलियर, ये डिप्रेशन, ये निराशा बहुतों की लाइफ में आती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम जिंदगी जीना छोड़ दें। इस बारे में आज बहुत से सवालों के जवाब मिलने वाले हैं क्योंकि थोड़ी ही देर बाद इसी बारे में मेरे साथ बात करने के लिए होंगी डॉक्टर शिवानी, जो कि काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड जो कि फाउंडर है सारथी काउंसलिंग सर्विस की। तो बात करेंगे थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर शिवानी से। मैं हूँ आरजे सिम जियो दिल से। यार मेरी लाइफ में दोनों पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है चल क्या रहा है, ऐसी वाली सिचुएशन बहुतों के साथ होती है ना, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम जिंदगी को जीना छोड़ दें। नहीं। गुड मॉर्निंग उदयपुर। मेरा दिल से सलाम उन्हें जो निराशा की जगह आशा को चुनते हैं, नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी को चुनते हैं और उदास रहने की जगह खुशी को चुनते हैं। सलाम उदयपुर शो है ये और मैं हूँ आरजे सिम आपके साथ 94.3 माय एफएम पर। और लीजिए वादे के मुताबिक अब मेरे साथ हैं डॉक्टर शिवानी, जो कि काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही काउंसलिंग सर्विस की फाउंडर भी है। मैम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। मैम सबसे पहला जो मेरा सवाल है, आज का जो यूथ इतनी तेजी से इतनी जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, इसकी वजह क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के साथ सबसे बड़ा इशू ये है, इसके चलते लोगों में फिजिकल इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है। डिप्रेशन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है फास्ट फूड एंड शुगरी ड्रिंक्स का कंजम्पशन। और डिप्रेशन का थर्ड रीजन है प्रोफेशनल एंड एजुकेशन कॉम्पिटिशन की वजह से स्ट्रेस, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन का हाई, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की नीड्स ज्यादा हैं, बढ़ गई हैं, कॉलेज की कट ऑफ हाई है, ब्रेकअप्स आर एवरीवेयर। तो डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? फोर्थ मेन रीजन ऑफ डिप्रेशन इज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो डिप्रेशन को कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो है आजकल फ्रेंड्स एंड फैमिली में सपोर्ट सिस्टम की कमी है, इट इज मिसिंग। इस सपोर्ट सिस्टम की एब्सेंस में मूड इश्यूज और डिप्रेशन या एंग्जाइटी भी ट्रिगर हो सकती है। मैम थोड़ी ही देर बाद आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं सोसाइटी का ये मानना है कि आज की जो जनरेशन है वो फिजिकली बहुत ज्यादा वीक है, अपने इमोशंस, अपने विचारों पर उनका ज्यादा कोई कंट्रोल है नहीं, साइकोलॉजिकली वो काफी वीक है। इस बारे में जानना चाहूंगी आपसे थोड़ी ही देर बाद। अभी के लिए छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। मैं हूँ आरजे सिम जियो दिल से। मेरा दिल से सलाम उन्हें जो नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी को चुनते हैं। सलाम उदयपुर शो है ये और मैं हूँ आरजे सिम आपके साथ 94.3 माय एफएम पर। मेरे साथ हैं डॉक्टर शिवानी, जो कि काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही काउंसलिंग सर्विस की फाउंडर भी है। मैम आपसे जानना चाहूंगी, सोसाइटी का ये मानना है कि आज की जो जनरेशन है वो फिजिकली काफी वीक है, वो रियल लाइफ सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की जगह छोटी छोटी बातों को लेकर हर्ट हो जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं कुछ हद तक तो इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि आज की यंग जनरेशन ने हमेशा एक सैम्पल चाइल्डहुड देखा है जहाँ पेरेंट्स उनकी सब बात मानते हैं, बिना मांगे उनकी सारी को पूरा कर देते हैं और उनकी जरूरत की चीज उन्हें उनसे बिना मांगे उन्हें मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने बचपन में बच्चों ने मूड खराब मूड करने वाली चीजें एक्सपीरियंस नॉर्मली नहीं करी होती। जैसा पहले होता था कि कार्टून का मतलब है कि सुबह संडे को 2 बजे आने वाला 2 घंटे आने वाला प्रोग्राम होता था, एंड नाउ हाउ इट इज कि जब टीवी खोल लिया आपने तो कम से कम 15 चैनल 24 आवर्स कार्टून दिखाते हैं। तो पुराने टाइम में कभी जैसे हमारे नेबर ने कोई साइकिल खरीद ली होती थी और वैसी साइकिल हमें मिलने के लिए
वी हैड टू वेट जब तक हमारे एग्जाम्स के रिजल्ट ना आ जाते। आज बच्चों की डिमांड उनके मुंह से निकलती नहीं है और पेरेंट्स बिना सोचे समझे उनको पूरी कर देते हैं। और इसी चाइल्डहुड फैक्टर के चलते आजकल का यूथ डिनायल, फेलियर या चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और स्ट्रेस होकर डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे ऐसा करना था, ऐसा नहीं कर पाई, ये नहीं हो पाया। निराशा तभी हमारी लाइफ में आती है जब हम उसे खुली छूट देते हैं। छूट ही ना दो तो आएगी कैसे। मेरे उदयपुर राइट्स डॉक्टर शिवानी है अभी मेरे साथ। मैम, आपसे थोड़ी ही देर बाद मैं जानना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जिससे पता चले कि ये शख्स डिप्रेशन में गुम होता जा रहा है। इस बारे में जानना चाहूंगी आपसे थोड़ी ही देर बाद। मेरे उदयपुर राइट्स अभी आपके लिए आरजू सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में दिलवाले मूवी का ये गाना। मैं हूँ आरजू सिम जियो दिल से। गलत काम करना, गलत रास्तों पर जाना, डिप्रेशन निराशा की ओर चले जाना सबसे आसान काम है। सीरियसली कोई भी कर सकता है, पर करें क्यों? गुड मॉर्निंग उदयपुर, वेंसडे की ये मॉर्निंग और मेरा दिल से सलाम आपको जो अपने आज को और अपने कल को बेहतर बनाने के लिए निकल पड़े हैं। सलाम उदयपुर शो है ये और मैं हूँ आरजे सिम आपके साथ 94.3 माई एफएम पर। मेरे साथ हैं आज डॉक्टर शिवानी जो कि काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही काउंसलिंग सर्विस की फाउंडर भी है। मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे पता चले कि ये शख्स कहीं ना कहीं डिप्रेशन में गुम होता जा रहा है। डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई इंसान बहुत ज्यादा हताश और मायूस रहता है, इफ हिज और हर कॉन्वर्सेशन इज यूजुअली नेगेटिव एंड यू नो ही और शी हैज अ डिफीटेड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ और ही और शी फील्स आई कैन डू नथिंग यू नो, या कभी ऐसा भी होता है कि दैट पर्सन हैज अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज विच वर प्लेजरेबल टू हिम और हर सम टाइम बैक एंड ही हैज कम्प्लीटली लॉस्ट इंटरेस्ट इन देम नाउ। और इफ द पर्सन इज ओवर स्लीपिंग और स्लीपिंग टू लेस और फ्रीक्वेंटली गेटिंग इरिटेटेड और एंग्री, रेस्टलेस यू नो, और इफ यू सी सिग्निफिकेंट वेट लॉस और अ वेट गेन, आपका बहुत ज्यादा रोने का मन करता है, आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, डेथ विशेस होती हैं आपके, फ्रीक्वेंटली कंप्लेन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, यू नो फीलिंग फटीग्ड ऑल द टाइम, स्लगेशन, फीलिंग ड्रेन्ड, या फिर कंप्लेन्स यू नो अबाउट फ्रीक्वेंट बैक एक और मसल्स और स्टमक एक, हेडेक जिसको हम फ्रीक्वेंटली, दीज सिम्टम्स शुड बी देयर इन समबडी फॉर मोर देन 2 वीक, क्वालिफाई इट फॉर अ क्लिनिकल डिप्रेशन, तो हम तब जाने की सोच सकते हैं डॉक्टर के पास। डिप्रेशन परेशानी ऐसी सिचुएशन में इंसान को लाकर खड़ा कर देती है जहां पर इंसान सुसाइड तक करने की सोचता है। आए दिन हमें इस तरह की न्यूज सुनने को मिलती है, इस बारे में आपसे जानना चाहूंगी थोड़ी ही देर बाद। अब मेरे उदयपुर राइट्स अभी आपके लिए नेहा कक्कड़ और मोनाली ठाकुर की आवाज में टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी बद्रीनाथ की दुल्हनिया। मैं हूँ आरजे सिम जियो दिल से। यार मेरी लाइफ में तो ना पता नहीं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है चल क्या रहा है, ऐसी वाली सिचुएशन बहुतों के साथ होती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम जिंदगी को जीना छोड़ दें। नहीं, गुड मॉर्निंग उदयपुर। सलाम उदयपुर शो है ये और मैं हूँ आरजे सिम आपके साथ 94.3 माय एफएम पर। मेरे साथ हैं डॉक्टर शिवानी जो कि काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही काउंसलिंग सर्विस की फाउंडर भी है। मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ऐसी किस तरह की स्टेज ये होती है जहां पर लोग इतना इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं कि अब उन्हें सुसाइड करना है, फांसी लगानी है, इतनी ऊंची बिल्डिंग से कूद जाना है, हाथ की नसें कट कर देनी है, सुसाइड करना है। इसके काफी रीजंस हैं जिनकी वजह से हम अपनी जिंदगी में दुखी होते हैं। कई बार कुछ बैड सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं या फिर ट्रॉमा होता है या फिर रिलेशनशिप डिफिकल्टीज होती हैं, बिट्रेल्स होते हैं, डिवोर्सेस होते हैं या फिर प्रोफेशनल या एकेडमिक शॉर्टकमिंग्स भी हो सकती हैं। कुछ केसेस में तो खराब मौसम या एक केमिकल इम्बैलेंस भी डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकता है। सुसाइडल टेंडेंसीज किसी भी कारण से मन में आ सकती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि सुसाइडल इंसान के मन में जो भी बेसिक फीलिंग्स होती हैं वो नॉर्मली लोनलीनेस या आइसोलेशन की होती है, कि उसको लगता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, या कोई सुनने वाला भी है तो कोई उसकी बात को समझेगा नहीं। फिर हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, तो सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन अवेलेबल टू देम बट एन एब्सेंस ऑफ अ वायबल ऑप्शन। डिप्रेशन एक बीमारी है या फिर वीकनेस, इस बारे में बात करेंगे थोड़ी ही देर बाद। मैं हूँ आरजे सिम जियो दिल से।
यार एक बात बताइए, रात के बाद सुबह आती है ना, सुबह के बाद दिन आता है, रात आती है फिर से, है ना, मौसम बदलते हैं, तो लाइफ हमारी एक जैसी कैसे चले? कभी खुशी होती है, कभी गम होते हैं। गुड मॉर्निंग उदयपुर, वेंसडे की ये मॉर्निंग और मेरा दिल से सलाम आपको जो अपने आज को और अपने कल को बेहतर बनाने के लिए निकल पड़े हैं। सलाम उदयपुर शो है ये और मैं हूँ आरजे सिम आपके साथ 94.3 माय एफएम पर। प्रॉब्लम्स आए, परेशानी आए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम जीने का जज्बा खत्म कर लें, कुछ भी कर लें अपनी लाइफ के साथ, नो। इसी बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर शिवानी, जो कि काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही काउंसलिंग सर्विस की फाउंडर भी है। मैम, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, डिप्रेशन को लेकर हम इतनी सारी बातें हम कर चुके हैं, इसका उपचार कैसे हो? अगर हम अपने किसी लव्ड वन को सफर करते हुए देख रहे हैं फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, वी शुड कंसल्ट इमीडिएटली अ काउंसलर और अ साइकाइट्रिस्ट टू गेट द इमीडिएट रिलीफ, बिकॉज जो डिप्रेशन है वो काउंसलिंग और मेडिसिन से जल्दी ठीक हो जाता है। यूजुअली उनकी मन की बात सुननी बहुत जरूरी है और सुनने से ज्यादा उनकी मन की बात समझनी बहुत जरूरी है। हमें उनको ये आश्वासन देना पड़ता है कि हम उनके साथ हैं। ड्रग थेरेपी और साइकोथेरेपी इज यूजुअली द बेस्ट क्योर फॉर डिप्रेशन, सो काउंसलिंग इज ऑल्सो असेंशियल टू लुक आउट फॉर वेरियस थिंग्स, यू नो, इफ देर आर एनी, इफ देर इज एनी अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ इन अ पर्सन और एनी ट्रॉमा, एनी चाइल्डहुड इश्यूज, एनी अदर बैगेज ही और शी इज कैरिंग। So, gaining new skills or being able to challenge depressive thinking and changing one's behavior is what counseling does to you. Both the things go hand in hand, medicine and counseling usually, yes. All right, thank you so much ma'am. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे उदयपुर राइट्स, ये थी डॉक्टर शिवानी मेरे साथ और अब ये टाइम है मेरा भी आपको बाय कहने का। आपसे मिलूंगी कल सुबह ठीक 7 बजे, पर इन बिटवीन जब भी मुझसे बातचीत करनी है, माई आरजे सिम राणा, ये है मेरा फेसबुक पेज या फिर @MyFMRJSim, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। जियो दिल से।